नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ कुछ बचपन की यादें ताज़ा करने आई हूँ। तो उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम आपके साथ अपनी हर चीज़, हर बात शेयर कर सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ पुरानी यादें। जैसे ये याद है ना, ये है मुरमुरो वाला गच्चक, या यूं कह दो कड़ाका। बचपन में तो खाया ही होगा आप लोगों ने, हमने भी बहुत खाया है। और ये इस तरीके से हुआ करता था, देखिए कितना टेस्टी लगता था खाने में। अब तो बहुत तरीके के गच्चक वगैरह चल गए हैं, बट ये एक ऐसा था जो शुरू से लेकर आज तक चल रहा है, जो अभी भी मतलब मिलता है पहले से। तो और ये देखिए इमली की गोलियां, ये देखिए खाई तो होंगी, बहुत खट्टी मीठी गोलियाँ हर जगह मिलती थी, हर दुकान में मिलती थी। और इसे खाने के लिए कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता था, कभी भी मिल जाए कभी खा लो ऐसा होता था। ये देखिए इमली की गोलियाँ, ये सब हमारी बचपन की यादों से जुड़ी हुई है। और ये देखिए पान वाली, पान के आकार में बनी हुई टॉफियाँ इस तरीके से, ये भी बहुत मिलती थी बचपन में, हम बहुत खाते थे स्टॉफिंग टॉफियों को भी। पहले तो यही वाली टॉफियाँ ही चलती थी, ये देखिए इस तरीके से। ये हो गई, और ये वाली टॉफियाँ हो गई छोटी छोटी रंग बिरंगी टॉफियाँ। हर बच्चा पहले हर बच्चे के पास होती थी, और बहुत कम पैसों में भी आ जाती थी। ये देखिए कलरफुल टॉफियाँ, ये तो आज भी इन टॉफियों को खाओ तो ऐसा लगता है जैसे कि अपने बचपन में चले गए हो। आज भी बिल्कुल ऐसा ही स्वाद है, ऐसा ही मज़ा है इन टॉफियों में। और देखेंगे हम, ये देखिए हमारे चांद सितारे, देखिए ये तो बहुत खाए होंगे चांद सितारे, कितनी खट्टे मीठी गोलियां होती थी ये इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों। कुछ याद आया अपने बचपन का? वाओ, देखकर ऐसे मन करता है कि सारी की सारी खा ले। और ये देखिए इमली की छोटी छोटी गोलियां जो इस तरीके से रैप हुआ करती थी, ये देखिए, ये देखो ये एक में दो गोलियां होती थी। आज भी इसकी पैकिंग बिल्कुल ऐसी ही आती है, ये एक में दो होती है, और खाने में इतनी खट्टी मीठी टेस्टी लगती है ये, और बिल्कुल स्वाद ऐसा ही है जैसे इसका स्वाद पहले भी हुआ करता था। आज भी इसका स्वाद बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद याद है ना इमली के गोल गोल लड्डू, ये वाले, ये थोड़े से हमारे टाइट हुआ करते थे, इसमें ये खाने में भी बहुत टेस्टी थी, ये बहुत सॉफ्ट थे, और ये ही इसी के दूसरे लड्डू आया करते थे। ये दोनों पहले से ही इस तरीके से ही आते हैं, ये और ये बहुत खाए जाते थे, बहुत खाते थे, खासकर लड़कियां तो बहुत खाती थी,
क्योंकि इमली वगैरह ये सब तो लड़कियों को ही वैसे भी बहुत पसंद होता है, और हमने तो बहुत खाया है, और आज भी अगर हमें कहीं दिख जाए तो हम आज भी ले आते हैं और खा लेते हैं, और अपनी बचपन की कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं इन चीज़ों के साथ। अब तो सिर्फ यादें ही रह गई हैं जो हम आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं। ये देखिए हमारे इमली के लड्डू, ये देखिए। और दोस्तों, और ये याद है ना, चूरन, पाइप वाले चूरन कहा करते थे, स्कूलों में बहुत मिलते थे, और काले, जो काला चूरन आता था, लाल चूरन आता था, उसी में ये वाली पाइप वाले चूरन आते थे इस तरीके से। देखिए ये भी बहुत खाए होंगे, हमने तो बहुत खाए ये सब सारी चीजें, हमारी तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है इन चीजों से। ये देखिए पाइप वाले चूरन, रंग बिरंगी टॉफियां, चांद सितारे, इमली वाले लड्डू, मुरमुरों का गच्चक, ये इमली के लड्डू और इस तरीके की टॉफियां, ये देखिए, ये सब वो चीजें जो हमारी बचपन से जुड़ी हुई है और हमने बचपन में बहुत खाई है। और मन करा कि चलो आप लोगों के साथ अपनी कुछ बचपन की यादें ताजा कर ली जाए, तो आप लोग के सामने ये सब है। जिसने अपना बचपन में ये सब खाया होगा तो उन्हें पता भी होगा। तो दोस्तों, आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपसे अपनी याद और बचपन की यादें और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकें और हमें भी बहुत मज़ा आए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।